याद हो जाए आपको चुटकियों में, सब चाहते हैं। ठीक है, मैं आपको एक कहानी सुन, कोई भी लिंक नहीं है, कोई भी लिंक नहीं है, लेकिन इन सबको मैं एक स्टोरी का रूप दूंगा और इस स्टोरी के माध्यम से आपकी एकदम बुद्धि में फीड हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, ध्यान से सुनना। जंगल से एक चींटी जा रही थी, उसके हाथ में मोबाइल था। रास्ते में उसको एक हाथी मिला, हाथी की सूंड में एक ब्रश था। ब्रश से वो पोस्टर पर पेंटिंग कर रहा था। पोस्टर जो था वो पेड़ पे लटका हुआ था। पेड़ के ऊपर एक स्पाइडर मैन बैठा था। स्पाइडर मैन के हाथों से रेनबो नीचे जा रहा था। रेनबो एक टब के अंदर गया और टब से पार्ले के बिस्किट बाहर निकले और वो सीधा नदी के अंदर चले गए। नदी में जैसे गए उसको खाने के लिए कौन आया, डायनासोर आ गया। डायनासोर ने मुख खोला तो उसके मुख से बादल निकले और जब बादल निकले तो बादल के ऊपर एक छाता था। छाते के ऊपर ब्लू कलर के शूज रखे हुए थे। ठीक है, अब आपको देखो कितनी जल्दी याद होगा। जंगल से कौन जा रही थी, चींटी के हाथ में क्या था, चींटी को कौन मिला, हाथी की सूंड में क्या था, रस्ते वो क्या कर रहा था, किसके ऊपर पोस्टर किस पे लटका था, पेड़ के ऊपर कौन था, स्पाइडरमैन के हाथ से क्या निकला, रेनबो किस में गया, टब के अंदर से क्या निकला, बिस्किट, बिस्किट कहाँ गए, नदी के अंदर से कौन निकला, डायनासोर के मुख से क्या निकला, बादल के ऊपर क्या था, अम्ब्रेला के ऊपर क्या रखा था, बजाओ ताली।